मेवात के सैकड़ों ट्रक ड्राइवर तरलागुड़ा जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ की बाढ़ की वजह से फंसे, सरकार से मदद की गुहार। बता दें कि मेवात नुहू जिले के भपावली गांव के ताहिर वसीम मुजीम पवन ने आज मीडिया को जानकारी देते हुए बतलाया कि मेवात के सैकड़ों ट्रक ड्राइवर रायपुर से हैदराबाद ट्रक ड्राइवरी का कार्य करते हैं। जैसे ही छत्तीसगढ़ के जिला बाजीपुर के तरलागुड़ा के जंगलों में पहुंचे तो रास्ते में नदी बाढ़ की वजह से उफान पर है, तेज गति के साथ पानी बह रहा है, सड़क पूरी तरह टूट चुकी है, यहां से निकलने का कोई इंतजाम नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 8-10 दिनों से यहां बाढ़ जैसे हालात हैं। यहां पर मेवात के तकरीबन सैकड़ों ट्रक ड्राइवर फंसे हुए हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार से मांग की है कि 8-10 दिनों से फंसे मेवाती ड्राइवरों इत्यादि ड्राइवरों को खान पान बाढ़ राहत सामग्री का कोई इंतजाम किया जाए। अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 8-10 दिनों से हम बेहद परेशान हैं। यहां तक की बात की जाए तो यहां पानी का कोई इंतजाम नहीं है, पीने के पानी के लिए भी उन्हें भटकना पड़ रहा है। बता दें कि परेशानी से गुजर रहे मेवाती ड्राइवरों ने कहा कि ट्रक ड्राइवरों को रोड के साइड पर खड़ा किया हुआ है, उनके परिवार भी बेहद परेशान हैं। भाई यहाँ फंसे हुए हैं बाढ़ में, जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ में, 5-8 दिन हो गए बाढ़ आई पड़े, ना यहाँ खाने को ना कुछ, यहाँ परेशान है, पानी भी नहीं है पीने के लिए। बहुत सारे ड्राइवर फंसे हुए हैं यहाँ पे, गाड़ियों की लेन लगी हुई पड़ी है, खाने को भी नहीं भाई, परेशान है, हमारी कुछ मदद हो जाए, खबर बनाओ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं लियाकत अली, आप देख रहे हैं मेवात सिटी न्यूज। रोजाना खबर देखने के लिए हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम दिखाते हैं सच का आईना, रोजाना देखें मेवात, पलवल, रेवाड़ी, भरतपुर, अलवर, गुरुग्राम सहित तमाम जिलों की ताजा खबरें रोजाना देखना ना भूलें, सिर्फ मेवात सिटी न्यूज पर। लूट, हत्या, किडनैपिंग, बलात्कार, भ्रष्टाचार, सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरों के अलावा जिला प्रशासन, नेताओं से जुड़ी तमाम खबरें रोजाना जरूर देखिएगा।